हाँ बेटा, हम लोग अभी सेंटेंस कर रहे हैं बेटा, करेक्शन, ठीक है। इसमें हम एक्सेलेंट से, एक्सेलेंट वाले किताब से 2019 का सेट करा रहे हैं बेटा, सिर्फ 12 कर चुके हैं। अब आगे 13वां देखते हैं। नहीं लिखा है बेटा, दीज न्यूज है, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड। यह वाक्य अब आपको मालूम है कि न्यूज का बहुवचन होता नहीं, और न्यूज के पहले लगा दिया है दीज, इसका मतलब कहना चाहता है बहुवचन। न्यूज का बहुवचन कैसे लिखोगे यह हम आपको पीछे बता चुके हैं बेटा। तो अब दीज न्यूज की जगह आपको क्रेडिट करना होगा, क्या हो जाएगा, दीज आर्टिकल्स, दीज क्या आर्टिकल्स ऑफ न्यूज। अब ये सही बोल, दीज आर्टिकल्स ऑफ न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड, ये सही बोल, ठीक है। अरे सुन, क्योंकि न्यूज का बहुवचन होता नहीं, इस पढ़ाया पीछे देख लो। अगला वाक्य बोला, इट इज आई, इट इज आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड। यह वाक्य लिखा है बेटा, और आपसे कहा गया इसको सही करिए, क्या करो बेटा, ध्यान सुनो, रिलेटिव प्रोनाउन, क्या लिखा है, हु, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद जो वर्ब आएगी वह वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए हुए नाउन अथवा प्रोनाउन के अनुसार आएगी। तो आई के अनुसार यहां पर एम आएगी, तो क्या लिखा, इट इज आई Who am your best friend? यह सही हो पक्का, अगला वाक्य है, being a cold night, being a cold night, हाँ, Being a cold night, I stayed in my house. I stayed in my house. देखो बेटा, इस प्रकार का वाक्य हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पढ़े थे, कहाँ बेटा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, दोनों वाक्यों के कर्ता एक नहीं होने चाहिए, याद है। तो यहां पर being के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा, एक इट लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, इट बीइंग ए कोल्ड नाइट आई स्टेड एट माय हाउस। अगर इट नहीं लगाओगे तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा, क्या लगाओगे, इट बीइंग, सही है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाला नहीं लगेगा। अगला वाक्य है, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू टू Your kindness, आई बेटा, अब आई एम ग्रेटफुल फॉर यू टू योर काइंडनेस, ये वाक्य आपका गलत हो गया, क्यों, कि ग्रेटफुल के आगे जो आपने ये फॉर लगाया गलत हो जाएगा, यहां लगेगा टू, क्या लगेगा, आई एम ग्रेटफुल टू यू, प्रेपोजिशन चैप्टर खोलो, कि यह वाक्य में बोला है आई एम ग्रेटफुल टू यू, और यहां इस टू की जगह लगेगा क्या, फॉर, पढ़ो बन गया, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस, मैं आपकी दयालुता के लिए आपके प्रति आभारी हूं। बहुत सरल है, अच्छा डिटेल में पढ़ना है तब तो फिर आपको हमारा जो हमने पीछे पढ़ाया उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, और बाकी ये तो कबड्डी है, खट से बता दो काम खत्म, क्योंकि वहां वहां बताया होगा कि टू माने क्या होता है, टू कहाँ लगता है, ये सब क्लियर किया गया, तो उसको देखने के लिए तो मौज आएगी वहां पे, यहां क्यों हम जवाब दे रहे हैं। आइए बेटा, अगला वाक्य है बेटा,
There are fine furniture in the house. There are fine furniture in the house. जो लड़के पार्टेज पढ़ाऊंगा याद होगा, पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, लगेज, फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, सब ब्रेड, इन सब के बाद इन सब के लिए वर्क क्वेश्चन क्या की एक्शन की, तो जो आर लगाया हो यही गलत है, क्या हो जाएगा इस पढ़ो बन गया, देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस, ये सही। अगला वाक्य है ही यू एंड आई आर फ्रेंड्स, ही यू एंड आई आर फ्रेंड्स, यह वाक्य आपको गलत है बेटा, अरे गलत गलत तो आएगा ही तुम्हारे काम, गलत दिखाया इसको सही करना है। तो जो लड़के याद करो, हमने आपको बताया बेटा एक ही वाक्य में एक वचन के तीनों पर्सनल प्रोनाउन लगातार एक साथ आते हैं तो फार्मूला लगता है 231 का, यहां 231 कैसे लगा बेटा, दो कौन है यू यू, फिर तीन कौन है ही एंड आई, अब सही बात ये कट जाएगा, पढ़ो भैया यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ये सही हो गया पक्का। अगला वाक्य है सिटिंग ऑन द गेट, सिटिंग ऑन द गेट, ये लगी देखो प्लेन पार्सल, सिटिंग ऑन द गेट, ए स्कॉर्पियन स्टैंड है, ए स्कॉर्पियन नोट, ए स्कॉर्पियन स्टैंड हिम, यह वाक्य वाक कर रहे थे तो गलत तो है, सही से कहना है अब कुछ ऐसा क्यों कि ये बैठा कौन था गेट पर, बैठा कौन था स्कॉर्पियन के हिम, हिम बैठा था तो हिम को इधर करो ना, तो पैसी वाइस वाक हो जाएगा, क्या बनेगा सेटिंग ऐसे बना लो, सेटिंग ऑन द गेट ही वाज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन, ये सही बात, सेटिंग ऑन द गेट ही वाज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन, कोई कठिन पक्का, क्योंकि यह लगी है प्रिंट पार्टिसिपल, प्रिंट पार्टिसिपल स्कॉर्पियन विशेषता नहीं है, किसकी विशेषता है हिम की, तो कुछ ऐसा करो कि हिम इधर आ जाए स्कॉर्पियन उधर आ जाए भाग से जाए, ऐसे कहा बेटा। अगला वाक्य हिज पेरेंट्स डिप्राइव्ड हिम, हिज पेरेंट्स deprived him with all he had, with all he had, वाक गलत है बेटा, with है अरे with all he had, इधर ध्यान दो deprived make of tired of fond of sure of pure of अजीम आप अवेल आप डिप्राइव आप, तो इनके बाद विथ का प्रयोग नहीं होगा, किसका होगा बेटा आपका प्रयोग होगा, पढ़ो बेटा सही हो गया, हिज पेरेंट्स डिप्राइव्ड हिम ऑफ ऑल ही हैड, सही है। अगला वाक्य बेटा सी हैव संग ए सॉन्ग, अब यह नहीं कर पाओ बेकार है, सी हैव संग ए सॉन्ग, बताइए सही है, अरे यार कच्चा छक सवाल है, यह एक वचन है तो यहां है होगा है जो होगा, है जो सी है संग ए सांग, ये सही। अब इससे सरल नहीं आया इसको बता दो, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगला वाक्य बेटा गॉड सेव्स मी, गॉड सेव्स मी, यह वाक्य बेटा ईश्वर मेरी सुरक्षा करता है, वाक तो सही है लेकिन ये कहना नहीं चाहते, ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है,
इसको बनाना चाहिए मे गॉड, मे गॉड सेव मी, ईश्वर मेरी सुरक्षा करे। लास्ट में संबोधन मार्क होगा, ये अगर आप मे लगाओ चाहे लगाओ ये भी सही, देखो गॉड सेव मी। अगर तुमने संबोधन मार्क फर्स्ट आपने संबोधन मार्क ये लिखा है तब भी आपका वाक सही है पक्का। अब किताब में क्या लिखा है गॉड सेव मी, ये तो सही है। अरे यार ये क्वेश्चन ये सही इस तरह सही है, प्रेजेंट सेंटेंस है नहीं, यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्या है? आप ईश्वर मेरी मदद करे या ईश्वर मेरी सुरक्षा करे, तो मैं से बनाओ या मैं हटा दो तब भी ये फॉर्मूला लगे, ठीक है? दोनों ढंग से वाक्य आपका सही है, चाहे मैं लगाओ मे गॉड सेव मी या गॉड सेव मी, तब भी वाक्य आपका सही है। अगला वाक्य बेटा, द नंबर ऑफ इनवाइट्स the number of invites are increasing। ये वाक्य क्या है? जो लड़के पढ़े होंगे उनको मालूम होगा ए नंबर ऑफ द नंबर के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वह हमेशा बहुवचन का होगा, लेकिन ए नंबर आपके आगे वर्ग बहुवचन के और द नंबर आपके आगे वर्ग एकवचन के, यहां पर क्या हो रहा है? इज द नंबर ऑफ इनवाइट्स इज इंक्रीजिंग। अगला सिखा बेटा मेनी ए बॉय, मेनी ए बॉय वर प्लेइंग इन द फील्ड, वर प्लेइंग इन द फील्ड। ये वाक्य तैयार करो, मेनी ए मेनी एंड मोर देन वन, मेनी ए मेनी एंड मोर देन वन के आगे जो कर्ता आएगा वो हमेशा एक वचन का होगा, क्या होगा बोलो? मेनी ए बॉय वॉज प्लेइंग इन द फील्ड, कई एक लड़का मैदान में खेल रहा था। अगला वाक्य देखो, अगला वाक्य मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी, मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। ये वाक्य वाक्य है, आपको कई बार बता चुके बेटा, सीनियर जूनियर सुपीरियर इंफीरियर प्रायर प्रेफर प्रेफरेबल और एल्डर, इनके बाद देन का प्रयोग वर्जित है, क्या लगेगा बेटा? टू। क्या लगेगा? टू। अगला वाक्य है, व्हाट आर यू डूइंग दिस मॉर्निंग, व्हाट आर यू डूइंग सिंस मॉर्निंग। पक्का यह वाक्य आपका गलत है? क्या करती है? अरे यार सिंस और फॉर लगाया है निश्चित समय के सिंस निश्चित समय के फॉर, तो वाक्य लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या बने बोलो? व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। ये तो कच्चा छस पड़े हो यार, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, ये सही बात पक्का। अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य है, दिस न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। देखा बेटा, दिस न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू, ये देखा। अब आपसे कहा गया सही करिए, तो आपको याद होगा बड़का टू छटका टू वाक कई बार बोला है, बेरी को बढ़के टू बदल दो वाक से हो जाएगा। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, समाचार इतना अच्छा है कि यह सही नहीं हो सकता। अगला वाक्य है, सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ,
light and life. ये वाक्य है. सन के पहले आठ दिन क्या लगाना पड़ेगा था? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं, एक एक होते हैं, एक एक होते हैं तो निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं उसके पहले आठ के दर भी. बात पक्की? तो ये हमने आपको बता दिया बेटा किसके बारे में? करेक्शन के बारे में. ठीक है, 2019 का सेट पूरा हो गया. ठीक है, अब फिर हम कल से देखो डायरेक्ट नाइट से शुरू करेंगे. ठीक है, थैंक यू.